जनता लंबे वक्त से महंगाई से राहत का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार बोझ कम करने को राजी नहीं है। जहां एक तरफ खाने के सामान से लेकर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस 105 रुपए और कोलकाता में 108 रुपए महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी 27 रुपए बढ़ा दी गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई दरें आज से प्रभावी हैं। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 फरवरी को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन हाल के दिनों में कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त इजाफे के चलते दिल्ली में इसकी कीमत अब 1907 रुपए से बढ़कर 2012 रुपए हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 1987 रुपए के बजाय 2095 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत अब 1857 से बढ़कर 1963 रुपए हो गई है। इसी के साथ ही छोटे सिलेंडर की कीमत अब 569 रुपए हो गई है। जहां एक तरफ रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है, तो वहीं अब सफर भी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के सामान घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी तेजी आ सकती है। यानी चुनावी मेले के बाद सरकार तेल की कीमतों में खेल जरूर करेगी, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ेगी।